प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की जानकारी वाली वीडियो में। दोस्तों, जहां फिल्मों से जुड़ी जानकारियां देते हैं, पर्दे के पीछे की जानकारियां देते हैं, ऐसी ही आज का वीडियो है दोस्तों कि एक समय राजेश खन्ना के आगे अच्छे अच्छे फिल्म कलाकार बैकफुट पर चले गए थे, यानी काका के स्टारडम की आंधी चल रही थी। लेकिन एक अभिनेता ऐसा भी था जो काका की आंधी के आगे चट्टान बनकर खड़ा रहा और फ्रंट फुट पर आकर अपने अभिनय की छाप छोड़ी। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में, जानते हैं कि वो एक्टर कौन थे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पेज पर नहीं हो तो उसे फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, काका के स्टारडम के आगे बड़े बड़े कलाकारों की नींव हिल गई थी और हर तरफ इंडस्ट्री में राजेश नाम की गूंज थी। हालांकि उस वक्त एक अभिनेता ऐसा भी थे जिसने अपने पांव जमाए रखे और राजेश खन्ना के दौर में अपना दबदबा कायम रखा। दोस्तों, राजेश खन्ना के आगे इस एक्टर ने नहीं मानी हार। दोस्तों, साल 1969 में हिंदी सिनेमा में राजेश खन्ना के दौर का आगाज हुआ। पहले आराधना और फिर दो रास्ते जैसी सफल फिल्में देकर राजेश खन्ना ने सुपरस्टार बनने की तरफ कदम बढ़ा दिए। इसके बाद राजेश के आगे उस दौर के बड़े कलाकार मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त जैसे कई अभिनेताओं की फिल्में सिर्फ आई और गई। हालांकि धर्मेंद्र उस दौर में एकमात्र ऐसे एक्टर रहे जिनका स्टारडम राजेश खन्ना के आगे फीका नहीं पड़ा। दोस्तों, एक टीवी शो के दौरान फिल्म लेखक जावेद अख्तर ने बताया था कि राजेश खन्ना की स्टारडम के आगे कोई भी कलाकार टिक नहीं पा रहा था। हर किसी की लोकप्रियता उनके आगे कम होने लगी थी। हालांकि धर्मेंद्र उस दौर में इकलौते ऐसे कलाकार रहे जिनकी फिल्में लगातार दर्शकों को पसंद आ रही थी और सफलता का मुकाम छू रही थी। साल 1971 में धर्मेंद्र की फिल्म गुड्डी आई और उसने इस कदर सफलता हासिल की कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सही मायनों में कहा जाए तो धर्मेंद्र ही वो अभिनेता रहे जिन्होंने राजेश खन्ना की स्टारडम के सामने डटे रहे और उनको कड़ी टक्कर दी। राजेश और धर्मेंद्र के साथ में की ये मूवीज। बेशक राजेश खन्ना और धर्मेंद्र को सुपरस्टार के तौर पर एक दूसरे का प्रतिद्वंदी माना जाता था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इन दोनों कलाकारों ने सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ मिलकर अभिनय के स्तर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। बात की जाए इन दोनों की फिल्मों के बारे में तो राजपूताना, मोहब्बत की कसम, धर्म और कानून, खामोशी ऐसी फिल्में रही जिसमें धर्मेंद्र और राजेश खन्ना ने एक साथ स्क्रीन साझा किया। आलम यह रहा कि इनकी फिल्मों ने दर्शकों पर भरपूर मनोरंजन किया। एक थे काका और एक ही मैन। राजेश खन्ना को इंडस्ट्री में काका के नाम से जाना जाता था। पंजाबी फैमिली में राजेश का जन्म हुआ और उनके चाचा उन्हें ये नाम दिया था। वह इंडस्ट्री में अपना नाम बदलकर पहचान बनाना चाहते थे। पंजाब में नौजवानों को काका बुलाया जाता है, इस वजह से उन्हें काका से भी पहचान मिली। हालांकि उनका असली नाम जतिन खन्ना था। फिल्म फूल और पत्थर में बतौर अभिनेता धर्मेंद्र के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। इस मूवी में उनकी दमदार पर्सनैलिटी ने हर किसी का ध्यान खींचा और इसके बाद से ही उन्हें हिंदी सिनेमा के ही मैन के नाम से भी बुलाया जाने लगा। तो दोस्तों, जो राजेश खन्ना के स्टारडम की आंधी के आगे एक अभिनेता जो डट कर खड़े रहे वो थे धर्मेंद्र। दोस्तों, ये थी इंटरेस्टिंग कहानी राजेश खन्ना और धर्मेंद्र से जुड़ी। ऐसी और वीडियो लेकर हाजिर होते रहे। बस आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल या पेज को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।